मेवात जिले के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन ने अनाज मंडी नुहू में पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। पूर्व विधायक ने माना कि अनाज मंडियों में गड़बड़ जाला गेहूं सरसों की खरीद में सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। सरकार ऐसे मामले से सख्ती से निपटेगी। भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन ने सभी किसानों से कहा है कि किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, इसके लिए प्रदेश की मनोहर सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि गेहूं की खरीद में किसी भी तरह की कोई अनियमितताएं ना हो, इसके लिए उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर अनाज मंडी का दौरा किया है। आप देखें लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। आज पहला दिन है जब हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू हुई है और नुहू की मंडी में जैसा आप देख रहे हैं सभी कुछ शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चल रहा है। और हमारे यहाँ पर मार्केट कमेटी नुहू की देख रेख में हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन और FCI परचेज कर रही है और तीन जगह बनाई हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हरियाणा सरकार ने। एक ये जो रेगुलर अनाज मंडी हमारी, ये एक नई सब्जी मंडी की जो बनी हुई है वहाँ पर, और एक मेवात मॉडल स्कूल में। और हमारे आड़ती भाइयों ने भी तीन जगह ही आपस में मिलकर बांट कर वो काम कर रहे हैं और जमींदार भी इस हिसाब से तीनों जगह कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और जमींदारों को भी सभी सुविधा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी काम सुचारू रूप से चल रहा है और हमारी इस बात पे मैं हरियाणा सरकार की तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी असुविधा किसानों को और आड़तियों को हमारे यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी और कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी का आएगी तो उसको दूर करने का प्रयास हरियाणा सरकार का रहेगा। वो हरियाणा सरकार सभी के लिए काम करने के लिए है, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे आड़तियों की बात हो, सबको साथ लेकर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार इसके प्रोक्योरमेंट का जो आज काम शुरू हुआ है बहुत शानदार तरीके से नुहू में चल रहा है। अभी अभी जैसे कि अभी आप मेरे साथ थे जब DC साहब के पास विचार विमर्श कर रहे थे सारे हालात के ऊपर, तो जो पुनाने में कल जो तोल में जो गड़बड़ी पाई गई थी उस पर कार्रवाई हो रही है और जो फिरोजपुर झिरका में भी जो अनियमितताएँ मिली थी उन पर भी कार्रवाई हो रही है। जहाँ तक नुहू अनाज मंडी का मामला है, अनाज मंडी में इस टाइम हम मौजूद हैं, यहाँ पर अभी ऐसी कोई शिकायत हमारे सामने नहीं आई है और मैं स्वयं चल के इसलिए खुद अनाज मंडी में आया हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात हो किसी किसान भाई की, किसी मजदूर भाई की कोई दिक्कत या कोई परेशानी या कोई शिकायत होगी तो उसको दूर करने का हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों की हितैषी है, साथ ही साथ व्यापारी और मजदूरों की भी हितैषी है।